जी फाइव ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। तुम्हें इस लड़की का साथ देना है तो आज से, बल्कि अभी से इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गए। शहर के बाहर चले कहीं दूर। तुमको छुपा रही हो नाम से। आज हम वो करके ही रहेंगे जिसके लिए हम यहाँ आए हैं। से दौरा पड़ गया, दवाई नहीं ली होगी। अरे भाभी, अर्जुन लुका छिपी खेल रहा, देखिए देखिए ना, बुलाइए ना अर्जुन को। अर्जुन ननन जी, आप पूरी तरह से पागल क्यों नहीं होता जी? छुटकारा भी। अरे नहीं मिल रहा है अर्जुन। दवाई ली? भैया भैया भैया, अर्जुन ही नहीं मिल रहा है, वो लुका छिपी खेलने लगा, चोट लग गई थी, मैं कर दूंगी ना ठीक। समझाइए समझाइए अपनी बहन को, ना दवा लेती है ना किसी की बात भी सुनती है। लक्षणा, बात मान लो, खा लो दवाई ले। अरे पहले अर्जुन को बुलाइए वो। ए अर्जुन, अरे नाना जी, वैसे भी खर्चे क्या कम है क्या? आपकी दवाइयाँ, इनकी दवाइयाँ, और राखी भी पेट से, उसका ख्याल नहीं रखना क्या? और ये पता नहीं भाई साहब भी कहाँ रह गए। अभी ये सब्जी आ गई है और आपके बचे हुए पैसे, ये लीजिए ये दवाई। अरे चोट लग गई थी अर्जुन को, लुका छिपी खेल रहा है, बोलो। कृष्णा ये दवाई खाओ तुम। 12 रुपए की एक दवाई है, आप क्या समझा रहे उन्हें? नहीं खा रही है तो मुंह खोलिए, ठूसी अंदर। चलो, और आपको भी ना भाई साहब, एक काम बोलो तो पूरा दिन लगा देते हो, जल्दी आ जाइए ना, घर में और भी बहुत सारे काम है। अरे मम्मी जी, आप फिर अकेले सब काम करने लगी, हमें दीजिए, हम करते हैं ना, हमें दे दीजिए। कमाजी आपसे काम करवाएंगे का? मम्मी मैं कर देती हूँ ना, लाओ। अरे पगला गई है, ऐसी हालत में काम नहीं करते, आराम करते, थक जाओगी। जाओ बेटा जाओ जा। सुनिए, एक ग्लास पानी भिजवा दीजिएगा। ठीक। झूठ बोले ना,
तो हमारे मुंह में तो कीड़े पड़े कीड़े। भलाई इसी में है ननन जी कि आप ये बात मान लो कि अर्जुन मर गया है। ए वो समझा रहे ना। अरे आप तो चुपी रहिए, सब आप ही के वैसे हो रहा है। सच्चाई का सामना तो करने दीजिए। और डॉक्टर ने ही बताया ना, इनका इलाज बस एक ही है कि ये सच मान ले कि अर्जुन मर गया है। उसका फोटो देखो, हार चढ़ा हुआ है। मुझे आप शांत हो जाइए। देखिए आप जो बोल रही हैं वो 100% सही है, मतलब 16 आने सच है। अब बुआ जी को कौन समझाए। बुआ जी 2 साल हो गए हैं, 2 साल हो गए हैं, पर बुआ जी मानने को तैयार नहीं कि अर्जुन जा चुका है। अरे फूफा जी हम आए ना घर पे, आप देख रहे हैं अब इंसान बाहर से आया है, थका होगा, प्यास लगी होगी, कुछ जरा एक ग्लास पानी ले आइए। हम लाते हैं बेटा। 2 सालों में घर की हालत देखिए, खंडर हो गया खंडर। इनसे तो दुकान भी नहीं संभलती। ये तो अच्छा है कि अनुज 2 पैसे कमा रहा है, इसलिए खाना मिल रहा है इन लोगों को, वरना अर्जुन कर देगा ना, वो आएगा। हाँ वो तो अभी आएगा, तस्वीर से आएगा। हाँ दवाई भी लाएगा। आएगा आएगा, आ रहा है। उपा जी ये मतलब आप खाली ग्लास ले आए, ट्रे नाम की कोई चीज होती है कि नहीं। मम्मी जी आप बताइए, अगर कोई हमारे साथ बाहर से आता है इस घर पे तो क्या देखता, मतलब ऐसी आप ग्लास ले आए हैं। नहीं दामाद की इस घर में कोई इज्जत है कि नहीं, आप बताइए हमको मम्मी। छोड़ दीजिए। अरे लाए लाए। हाँ बोले अब हम भी। हमारी गलती है, सब 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 हमारी गलती। हमने ही उसको कहा घर छोड़ के जाने को। उसने हमसे कहा भी कि ये जो वनवास है ना वो आशीर्वाद समझकर मानेगा, लेकिन हमारे क्रोध ने ना हमारी विवेक ही छीन ली और अपने औलाद को ऐसे वनवास दे दिया। ननन जी राम जी वनवास गए थे ना, तो साथ में लक्ष्मण और सीता को भी लेके गए थे। आपने तो उसे उसके साथ भेज दिया। क्या नाम था उसका, वो सुरपण का साहेब जी की बेटी चांदनी कनौजिया। अरे मंदिर जाना है, अरे भगवान लोटा भी मांजा हुआ नहीं है, फूल कौन तोड़ेगा। ये कहाँ चली, वो मंदिर में जा रही है, उनको वहाँ शांति मिलती है। हाँ, हाँ, इन्हें तो शांति मिल जाएगी ना मंदिर में जाके, लेकिन हमारी अशांति का क्या जो चांदनी कनौजिया फैला के गई है। हम आ रहे हैं। आज तक अभी लेट हुए हैं।
Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।